नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में दोबारा वापस आए हैं, माफियाओं और गुंडों पर लगातार उनकी कानूनी कार्रवाई का प्रक्रिया जो है वो जारी है। इस बीच जब देश में लाउडस्पीकर का विवाद उठा तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी अपने अधिकारियों को सख्त आदेश दे दिया कि जिन भी धर्म स्थलों पर मानकों से उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकर लगाए गए हैं उसको तत्काल प्रभाव से सरकार के अधिकारी जो हैं, पुलिस के प्रशासन के जो लोग हैं, वो उतरवाने का काम करें। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही आदेश दिया है तो उत्तर प्रदेश में बड़े तौर पे उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और लाउडस्पीकर का वॉल्यूम भी कम करवाया गया है और भारी मात्रा में लाउडस्पीकर को उतरवाया भी गया है। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत किशोर ने बकायदे इस बात की जानकारी दी, पूरा डाटा पेश किया कि अब तक लाउडस्पीकर पर कितनी कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा की गई है। प्रशांत किशोर ने बताया है कि राज्य भर में विभिन्न धार्मिक स्थलों से अब तक कुल 45,773 लाउडस्पीकर को हटाया गया है, जबकि 58,861 लाउडस्पीकर के वॉल्यूम को कम किया गया है। यानी कि इतने जो लाउडस्पीकर वॉल्यूम कम किया गया, यानी कि अब वो वॉल्यूम जो है वो मस्जिद हो या मंदिर, वो उस परिसर के अंदर तक ही उस लाउडस्पीकर का आवाज़ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पहले मंदिर हो या मस्जिद, इसके लाउडस्पीकर से पूरे क्षेत्र में आवाज़ जाता था, अब उन मानकों के उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हटवा दिया है योगी आदित्यनाथ के आदेश पर। हम आपको बता दें, प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर तय मानकों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, चाहे वह धार्मिक स्थल किसी भी धर्म से जुड़े हों। सीएम योगी ने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका कड़ाई से अनुपालन कराया जाए, अनावश्यक रूप से लगाए गए लाउडस्पीकर को तत्काल उतारा जाए। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सख्ती के साथ ये आदेश उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया था, तो पूरे प्रदेश भर में उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यापक तरीके से अभियान चलाकर धार्मिक स्थल, चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों, उनसे लाउडस्पीकर को जो मानकों का उल्लंघन करते हैं उनको पूरी तरीके से हटाया गया। हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में लगाए गए लाउडस्पीकर भी हटाए गए थे। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर, जो क्योंकि जिस तरीके से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात हो रही थी तो लगातार योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगता, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही इस बात का आदेश दिया कि तेज ध्वनि वाले लाउडस्पीकर को हटाया जाए, तो सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर का भी लाउडस्पीकर हटाया गया था ताकि योगी आदित्यनाथ पे कोई भी इस तरीके का आरोप न लगा सके कि वो एक पक्षीय या एक समुदाय को निशाना बनाकर आदेश अधिकारियों को दिए है। इसके तहत श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा से हटाया गया लाउडस्पीकर और गोरखनाथ मंदिर से हटाया गया है, जो आवाज़ से मानक से ज़्यादा तेज़ आवाज़ वाले थे इसका। और सीएम योगी ने यह भी स्पष्ट कर दिया अपने निर्देश में कि हर किसी को अपनी उपासना और अपने धर्म के प्रति आस्था है, उसमें किसी प्रकार के पुलिस या सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन नियमों का पालन सभी धर्म के लोगों को करना होगा। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया था उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और आज एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत किशोर ने इस बात की पूरी जानकारी दी है कि प्रदेश में अब तक कितने लाउडस्पीकर के वॉल्यूम को कम किया गया और कितने मानक के उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकर को हटाया गया। योगी आदित्यनाथ के बाद जिस तरीके से यूपी पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं।